नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो लाइब्रेरियन कॉलेज एजुकेशन है उसका जो पेपर नंबर सेकंड है, उसमें आपके यूनिट नंबर थर्ड दी हुई है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पूरी की पूरी जो यूनिट है वो आपके कंप्यूटर से संबंधित दी हुई है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। उसमें आज का जो अपना पहला टॉपिक रहने वाला है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का रहने वाला है। अगर आप हमारा जो लाइब्रेरियन कॉलेज एजुकेशन का पूरा जो बैच है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा क्लासेस का जो ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर आपको डाउनलोड करने के बाद में जो रजिस्टर है वो फ्री करना होगा। रजिस्ट्रेशन फ्री होने के बाद में आपको यहाँ पर कॉलेज एजुकेशन लाइब्रेरियन के नाम से बैच मिलेगा, उसको सेव करके वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन में अपन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अपना जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कंप्यूटर का परिचय और परिभाषा के बारे में अपन बात करने वाले हैं। परिचय क्या, सबसे पहले बात करेंगे अपन कंप्यूटर के परिचय की। आज के जमाने में कंप्यूटर से अगर कोई परिचित नहीं है तो वो किसके समान है, एक अनपढ़ व्यक्ति के समान है। अपने चारों तरफ अपन जितनी भी चीजों से घिरे हुए हैं वो लगभग चीजें किस टेक्नोलॉजी पे आधारित हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे आधारित हैं। जैसे अपन डिजिटल बोर्ड ले लीजिए, आजकल तो यहाँ तक कि जो फैन है वो भी अपने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे आधारित आने लगे हैं, यानी रिमोट से चलने वाले फैन आने लगे हैं। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि चारों तरफ अपन लगभग चीजें किससे घिरी हुई हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से घिरी हुई हैं। टेक्नोलॉजी से अपन दूर रह नहीं सकते, फोन आजकल सभी चलाते हैं, वो सारी की सारी जो चीजें वो टेक्नोलॉजी पे ही आधारित हैं। घड़ी देख लीजिए, स्मार्ट वॉच आ गई, पहले पुराने जमाने में ये चलती थी लेकिन आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हुई और स्मार्ट वॉच आ गई। परिभाषा की अगर अपन बात करें कंप्यूटर की, कि परिभाषा क्या है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर जो शब्द है वो अंग्रेजी के एक शब्द है कंप्यूट, इस अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, ठीक है। सबसे इसका जो अर्थ है वो क्या है, गणना करना है, यानी कंप्यूट जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, गणना करना। इस कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके साथ ही अपन देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है, जो अपरिष्कृत आंकड़े हैं उन आंकड़ों को अपन क्या बनाते हैं, संशोधित आंकड़े बनाते हैं। जैसे अपन ने क्या किया, एक स्टूडेंट है उसकी मार्कशीट ली, उस मार्कशीट के अंदर क्या है, स्टूडेंट का नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, उसके जो विषय अनुसार अंक है उन अंकों को सबको एक जगह जोड़ के अपन ने एक मार्कशीट बनाई, तो वो परिष्कृत आंकड़े हो गए। तो कंप्यूटर का जो काम आता है वो क्या है, अपरिष्कृत जो आंकड़े होते हैं उनको परिष्कृत आंकड़ों के अंदर चेंज करना ही कंप्यूटर का मुख्य काम है। प्राचीन समय में अपन देखते हैं जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो सिर्फ गणना करना ही था, गणना करना। धीरे धीरे काफी चेंजेज हुए और चेंजेज होने के साथ साथ इसके जो यूजेज हैं वो बढ़ते गए और टेक्नोलॉजी का विकास होता गया। तो वर्तमान समय में अपन कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो मुख्य उद्देश्य केवल गणना करना ही नहीं रह गया है, इसके साथ में अनेक जो सेक्टर हैं उनमें अपन कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी फील्ड ले लीजिए, मेडिकल ले लीजिए, पैरामेडिकल ले लीजिए, रक्षा में ले लीजिए, अनुसंधान में ले लीजिए, तो सब में कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो वर्तमान में होने लगा है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं, भाई आपको बेसिक जो कंप्यूटर है वो आना चाहिए। यहां पर कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेन जो फोकस रहेगा वो लाइब्रेरियन पे रहेगा, इसके साथ जो बेसिक चीजें आएंगी वो अपने कंप्यूटर से संबंधित आएंगी। तो इसमें अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं। तो कंप्यूटर के प्रकारों को मुख्य रूप से दो आधारों पर विभाजित किया गया है। पहला जो प्रकार आता है वो आता है अनुप्रयोग के आधार पे आता है, दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है कंप्यूटर के आकार के आधार पे आता है। अनुप्रयोग के आधार पर जो कंप्यूटर है उनका अगर अपन विभाजन देखें, सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि अनुप्रयोग के आधार पर जो कंप्यूटर है इनको मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है, तीन भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक पे आता है एनालॉग कंप्यूटर, नंबर दो पे आता है डिजिटल कंप्यूटर, और नंबर तीन पे आता है अपना हाइब्रिड कंप्यूटर। इन तीन भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया गया है अनुप्रयोग के आधार पर। नंबर एक पे अपन बात करने वाले हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग जो कंप्यूटर है
उसके बारे में अपन देखें तो इस प्रकार के कंप्यूटर अंकों पर कार्य नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि भौतिक रूप से, ये याद रखना लाइन, भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर सीधे कार्य करते हैं। भौतिक डाटा कौन से हो गए, जैसे ताप, दाब, लंबाई, द्रव्यों का प्रवाह है। जैसे अपन देखते हैं कि जो पेट्रोल है, डीजल डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, द्रव्यों का प्रवाह होता है, ठीक है। तो भौतिक जो डाटा है उन पे काम करते हैं कौन से कंप्यूटर, एनालॉग प्रकार के कंप्यूटर। वो सीधे किस पे काम नहीं करते हैं, अंकों पे सीधा काम नहीं करते हैं, यानी कि जीरो और वन से उनको कोई मतलब नहीं रहता है। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो भौतिक रूप से जो उसको मिलता है उसके रूप में काम में करते हैं, जैसे ताप है, दाब है, लंबाई है, या फिर अपन द्रव्यों को बात करते हैं जो डेंसिटी है उनके आधार पे वो काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इनका जो उपयोग है वो आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे स्पीडोमीटर है, घड़ियां हैं, विद्युत मीटर हैं, थर्मामीटर हैं, इनमें मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है, अपना एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नंबर दो पे अपन बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर की अगर अपन देखें तो कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं जो बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं। जो बाइनरी डिजिट है वो कौन से होते हैं अपने, जीरो और वन। दोनों क्या है, बाइनरी डिजिट। इन बाइनरी डिजिटों पे ही काम करते हैं अपने डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के जो संकेत होते हैं वो मुख्य रूप से असतत होते हैं, यानी कि असतत रूप में इनके जो संकेत हैं वो अपने को प्राप्त होते हैं। जैसे अपन देखें इनके जो डाटा है वो कैसे चलते हैं, इस प्रकार से चलते हैं। जैसे ये हो गया जीरो, ये वन, फिर वन जीरो, वन जीरो, वन जीरो, वन वन वन, फिर जीरो 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 वन। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, ये किसके आधार पे चलते हैं, इनके जो संकेत होते हैं वो असतत होते हैं और ये बाइनरी आधार पे चलते हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ इस प्रकार से ये चलते हैं। जबकि जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो किस प्रकार से चलते हैं, जैसे अपन देखते हैं रीडिंग देखते हैं इस प्रकार से, तो ये तो कौन से हो गए अपने, एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। और डिजिटल जो कंप्यूटर है उसमें इस प्रकार से चलता है, यानी इनके जो संकेत होते हैं वो असतत होते हैं, जबकि एनालॉग के जो संकेत होते हैं वो किस प्रकार के संकेत अपने को मिलते हैं, सतत प्रकार के जो संकेत हैं वो मिलते हैं, ठीक है। नंबर तीन पे आता है अपना हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर की अगर अपन बात करें तो इस प्रकार के कंप्यूटर को एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर का समावेश किया गया है। इस प्रकार के कंप्यूटर के अंदर किसका प्रयोग किया गया है, हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों जो प्रकार के कंप्यूटर हैं इसका समावेश करके जो कंप्यूटर बनाया गया है उसका नाम है अपना हाइब्रिड कंप्यूटर। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि हाइब्रिड कंप्यूटर है वो किससे बनाया गया है, ऑप्शन फर्स्ट आए एनालॉग से, सेकंड आए डिजिटल से, थर्ड आता है एनालॉग और डिजिटल दोनों से, और ऑप्शन फोर्थ आता है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो थर्ड है ए और बी वो बिल्कुल सही है, यानी एनालॉग और डिजिटल से मिलकर के कौन सा कंप्यूटर बना है, अपना हाइब्रिड कंप्यूटर बना है। इसके उपयोग की अगर अपन बात करें तो इसका जो उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। जैसे अपन देखते हैं कि जो तापमान है, अपनी जो बॉडी होती है उसका तापमान, उसके बाद में रक्तचाप, ये जो मापने के लिए मुख्य रूप से जो काम में लेते हैं वो कौन सा कंप्यूटर होता है, अपना हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। कभी ना कभी हम डॉक्टर के पास में गए होंगे, हम ना गए तो हमारा कोई परिचित के साथ में गए होंगे, हम घर वालों के साथ में गए होंगे, तो डॉक्टर क्या करता है, अंगुली पे एक मशीन लगाता है, ठीक है। तो उसमें जो डाटा आता है वो किस प्रकार से आता है, इस प्रकार से आता है, या फिर इस प्रकार से जो डाटा आता है इसका, तो वो क्या होता है, डिजिटल और जो एनालॉग कंप्यूटर है उसका मिक्स रूप में होता है। वो क्या करता है, अपनी जो धड़कन होती है उसको मापने का काम करता है। तो रक्तचाप के साथ में अपन ऐसा कह सकते हैं कि धड़कन,
धड़कन मापने का काम भी कौन सा कंप्यूटर करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर करता है। वो एक छोटी टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर की, लेकिन वो काम किसका करती है? धड़कन मापने का काम करती है, तो वो मुख्य रूप से किसका प्रकार है? हाइब्रिड कंप्यूटर का ही प्रकार माना जाता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसका सबसे ज्यादा जो उपयोग लिया जाता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में लिया जाता है। होप यहां तक आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आकार के आधार पर। आकार के आधार पर अपन बात करें, जो जो कंप्यूटर होते हैं आकार के आधार पर वो होते हैं मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर। ये चार प्रकार के जो होते हैं वो आकार के आधार पे होते हैं, यानी कंप्यूटर का जो आकार होता है उस आधार पे अपन ने कंप्यूटर को विभाजित कर दिया। तो सबसे पहले एक नंबर पे अपन पढ़ने वाले हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में अपन देखते हैं तो इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि इसका जो आकार होता है वो छोटा होता है। इनकी विशेषताओं में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको बहुत अच्छे से इनको पढ़ना है। इन सब की पीडीएफ है वो भी आपको हमारा जो ऐप है उस पर अवेलेबल हो जाएगी, यानी जो जितने भी लेक्चर यहाँ पे करवाए जा रहे हैं इन सारे के सारे जो लेक्चर हैं इनकी आपको पीडीएफ भी यहाँ पर मिलने वाली है। तो इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है और एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है इनपे, यानी कि ये जो कंप्यूटर होते हैं इनपे एक समय में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, क्योंकि इनमें केवल एक ही सीपीयू होता है। इनका उपयोग सामान्यतः घरों, कार्यालयों और विद्यालयों में किया जाता है, यानी कि ये जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट है कि इनका जो उपयोग है वो सामान्यतः कहाँ पर किया जाता है? घरों में किया जाता है, कार्यालयों में किया जाता है या फिर विद्यालयों में किया जाता है? जो सामान्य रूप से अपन देखते हैं अपना जो पीसी होता है, अच्छा पीसी भी कहा जाता है इनको, यानी जो पर्सनल कंप्यूटर होता है अपना पीसी, जो घर पे अपन देखते हैं कि एक मॉनिटर रखा हुआ है, एक सीपीयू रखा हुआ है, उसके साथ में अलग से कीबोर्ड और माउस रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो कौन से प्रकार का कंप्यूटर होगा? माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। अपन घर पे काम में लेते हैं, कार्यालय में अपन देखते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं तो कंप्यूटर रखा होता है, यानी मॉनिटर रखा होता है, उसके सीपीयू रख लिया अलग से, तो इस प्रकार के कार्यालय में मिलते हैं। विद्यालय में अपन देखते हैं तो कौन से प्रकार के कंप्यूटर मिलते हैं? अपने को माइक्रो कंप्यूटर ही मिलते हैं। इनको भी अपन अलग अलग कैटेगरी में विभाजित करते हैं। मुख्य रूप से अपन देखें तो नंबर एक पे आता है अपना डेस्कटॉप। डेस्कटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? सामान्यतः अपन देखते हैं स्क्रीन रखी हुई होती है घर पे, उसके साथ में एक अलग से डब्बा रखा हुआ था जिसे अपन सीपीयू कहते हैं, अलग से कीबोर्ड होता है और माउस होता है, यानी उसमें इनबिल्ड नहीं होती है, सारी चीजें अलग अलग होती हैं। तो वो किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? अपने डेस्कटॉप प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। नंबर दो पे आता है लैपटॉप। सामान्यतः अपन देखते हैं ब्रीफकेस, यानी जो सूटकेस होती है अपनी पकड़ने की, उसके आकार का जो कंप्यूटर होता है उसे अपन लैपटॉप कहते हैं। इसमें इनबिल्ड ही तो क्या होता है? कीबोर्ड होता है और इनबिल्ड इसमें माउस होता है, यानी उसके अंदर सारी चीजें दी हुई होती हैं और एक स्क्रीन सामने होती है। उसको ब्रीफकेस की तरह अपन फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं। नंबर तीन पे जो आता है वो आता है पाम टॉप। पाम टॉप कैसा होता है? यानी जिस कंप्यूटर को अपन हथेली पे रख के, पाम यानी हथेली, हथेली पे रख के चला सकते हैं, वो कौन से प्रकार का कंप्यूटर आ गया? पाम टॉप कंप्यूटर आ गया। ये दोनों ही कंप्यूटर किससे चलते हैं? मुख्यतः बैटरी से चलने वाले कंप्यूटर हैं, बैटरी बैकअप पे आधारित कंप्यूटर हैं। लेकिन एफिशिएंसी की अगर अपन बात करें, क्षमता की बात करते हैं, तो लैपटॉप की क्षमता होती है वो पाम टॉप से कहीं अधिक होती है। पाम टॉप है वो छोटे प्रकार का होता है, हथेली पे रख के चलाते हैं तो छोटी बैटरी आएगी, तो उसकी एफिशिएंसी क्षमता उतनी ही कम होगी। नंबर चार पे आता है नोटबुक। अपन ऐसा कह सकते हैं कि लैपटॉप है, उस लैपटॉप का छोटा जो रूप होता है वो नोटबुक होता है, ठीक है। नोटबुक में क्या होता है? स्क्रीन होती है और उसके साथ में अलग से एक छोटा सा कीबोर्ड दिया होता है, तो वो कौन से प्रकार का हो गया? अपना नोटबुक प्रकार का कंप्यूटर हो गया। क्षमता की बात करें तो सबसे कम क्षमता होती है पाम टॉप की, उसके बाद में होती है नोटबुक की, और सबसे ज्यादा क्षमता होती है लैपटॉप की होती है बैटरी बैकअप में। और नेक्स्ट नंबर पांच पे आके अपना टैबलेट। टैबलेट आजकल आप सभी लोग जानते हो, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? टैब, ठीक है। ये अलग अलग कंपनियों के आते हैं जिनके वैरायटी अपन देखते हैं कि 5,000 से शुरू होकर के लाखों तक
रेंज में आते हैं। तो टैबलेट क्या होता है, सिर्फ एक स्क्रीन होती है, अपना जो मोबाइल फोन होता है उस मोबाइल फोन से काफी बड़ा होता है और उसको टच करके चलाया जा सकता है, उसे अपन टैबलेट कहते हैं, वो टैबलेट कंप्यूटरों की श्रेणी में आता है। तो ये अपनी हो गए माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हो गए। नेक्स्ट अपन देखते हैं मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के बाद में नंबर दो पे जो आते हैं अपने मिनी कंप्यूटर आते हैं। मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत अपन देखते हैं कि ये जो कंप्यूटर होते हैं इनकी विशेषता अपने को अच्छे से याद रखनी है। मध्यम आकार वाले सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं, यानी इनका आकार तो कैसा होता है, मध्यम आकार होता है, और सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं मिनी कंप्यूटर। इनमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं, एक से अधिक सीपीयू होते हैं। कौन से कंप्यूटर में, मिनी कंप्यूटर में, नाम ही मिनी है लेकिन सीपीयू एक से अधिक इनमें होते हैं। इन पर एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं, यानी सीपीयू एक से अधिक है तो इनमें एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में इनकी जो एफिशिएंसी क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। उपयोग इनका अपने को जरूर याद रखना है, सामान्यतः बड़े बैंकों और कार्यालयों में इनका उपयोग होता है, यानी जो बड़े बैंक होते हैं उनके अपने मिनी कंप्यूटर होते हैं, काफी महंगे होते हैं, एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकता है, तो इनको अपन घरों में यूज नहीं कर सकते सामान्यतः। नंबर तीन पे आता है मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो इनका जो आकार है वो काफी बड़ा होता है और इनकी कार्य करने की शक्ति भी अधिक होती है। ठीक है, आकार बड़ा हो गया और कार्य करने की जो शक्ति है वो भी इनकी अधिक होती है। इनके उपयोग की अगर अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि जो रेलवे आरक्षण है, रेल में अपन ने सफर किया है तो अपन आरक्षण करवाने जाते हैं, तो वहां रेलवे जो आरक्षण है उस आरक्षण का जो मेन कंप्यूटर होता है वो कौन से प्रकार का होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर प्रकार का होता है। बड़ी जो बीमा कंपनियां हैं उन बीमा कंपनियों में और जो अनुसंधान संस्थाएं होती हैं उन अनुसंधान संस्थाओं में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे IBM 4300 सीरीज का जो कंप्यूटर आता है वो मेन फ्रेम है, IBM 4381 सीरीज का आता है, VEX 8842 श्रेणी का जो कंप्यूटर आता है वो मेन फ्रेम प्रकार का ही कंप्यूटर होता है। तो यहाँ पर इनके जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनको भी अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है सुपर कंप्यूटर। नंबर चार पे सुपर कंप्यूटर की अगर अपन बात करें तो ये जो इनका आकार होता है वो सबसे बड़े प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, यानी बहुत बड़े आकार के कंप्यूटर होते हैं। वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं। इन पर एक से अधिक व्यक्ति एक साथ में काम कर सकते हैं। ये इतने बड़ी क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं कि इन पर एक से अधिक व्यक्ति यानी 10, 15, 100, 150, 200 आदमी भी एक साथ में इन कंप्यूटर्स पे काम कर सकते हैं। इनका जो उपयोग होता है उसकी अगर अपन मुख्यतः बात करते हैं तो मौसम की जो भविष्यवाणी की जाती है वो सुपर कंप्यूटर से ही की जाती है। अंतरिक्ष और अनुसंधान के क्षेत्र में इनके प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही जो रक्षा संगठन है उसमें इनका प्रयोग किया जाता है और जो नाभिक संयंत्र होते हैं उनमें भी मुख्य रूप से सुपर कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। अब अपन बात करते हैं इनका, इसका जो मुख्य एग्जाम्पल पूछा जाता है वो आता है परम। परम है वो भारत में भारतीय श्रेणी का सुपर कंप्यूटर है जिसका विकास भारत के अंतर्गत ही किया गया है। इसका विकास किया गया था पुणे स्थित सीडेक जो संस्था है इसके द्वारा किया गया है। इसके साथ इसके विकास की जो कहानी है उसके अंतर्गत अपन देखें तो अपन देखते हैं कि 1980 का दशक आता है। इस 1980 के दशक से पहले भारत है वो सुपर जो कंप्यूटर है उनको अमेरिका से आयात किया करता था। अमेरिका फिर हो गया नाराज भाई। एक दिन अमेरिका ने कहा हम आपको सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे। भारत ने कहा मत दो, कोई बात नहीं, आप नहीं दे रहे तो कोई और देगा, कोई और नहीं देगा तो हम इतने सक्षम हैं आज के टाइम पे कि हम अपना सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं। तो इस बात पे वो हंसे कि आप और सुपर कंप्यूटर बना लोगे। तो भारत ने क्या किया, इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। जो अमेरिका अपना सुपर कंप्यूटर देता था वो CRAY क्राई देता था,
क्राई के नाम से इसका सुपर कंप्यूटर आता था, क्राई XMP, ये सुपर कंप्यूटर देता था। तो भारत ने क्या किया, इस क्राई XMP को नहीं लिया अमेरिका से, और नहीं लेने के बाद में खुद का सुपर कंप्यूटर है उसका विकास किया, जो किस नाम से जाना जाता है, परम के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो स्थापना की गई है वो पुणे में सी डेक कंपनी के द्वारा की गई है। वर्तमान में मौसम भविष्यवाणी के लिए, अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा संगठनों और नाभिक के जो संलयन है, इन सभी क्रियाओं के अंतर्गत अपना सुपर कंप्यूटर है वो भारत के अंतर्गत निर्मित कंप्यूटर को ही काम में लिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंप्यूटर की मुख्य विशेषताओं के बारे में। विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है, नंबर एक पे आती है गति। ठीक है, कंप्यूटर कोई भी काम करता है, गणना करता है या कोई कैलकुलेशन करता है या किसी चीज की भविष्यवाणी करता है, तो उसमें गति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गति को वो बहुत महत्व रखता है। नंबर दो पे आती है शुद्धता। ठीक है, अधिकतर जो काम किए गए होते हैं वो सारे के सारे शुद्ध काम होते हैं, यानी अगर आपने डाटा शुद्ध दिया है तो वो अपने को आउटपुट भी शुद्ध रूप में प्रदान करेगा। इसके बाद में है सक्षमता, वो अधिक सक्षम होते हैं, यानी मनुष्य के बजाय काम करने के लिए अधिक सक्षम होते हैं, कभी भी थकते नहीं है, कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मैं काम नहीं करूंगा। ह्यूमन क्या होता है, वो काम करता है लेकिन एक समय आता है वो थक जाता है, और ये भी कह सकता है कि भाई मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, वो हर काम को करने में सक्षम होते हैं जो उनको इनपुट दिए जाते हैं उनके अंदर। इनकी स्मरण शक्ति होती है वो बहुत तेज होती है, जैसे अपन ने कुछ डाटा डाला तो हाथों हाथ बता देते हैं कि इतना हुआ, अपन नहीं बता सकते कि 5000 को अगर 444 इंटू 5000 किया जाए तो कितना आंसर आता है, लेकिन ये डालते ही आंसर बता देते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है, उनका उपयोग है वो बहुत ही व्यापक है, बड़े स्तर पर इनका उपयोग किया जा सकता है। स्वचालन होते हैं और इनकी संग्रहण क्षमता अधिक होती है, मनुष्य की एक संग्रहण क्षमता लिमिटेड होती है, वो लिमिटेड चीजों को याद रख सकता है, कि कहते हैं कि 72 घंटे के बाद में मनुष्य भूलना शुरू कर देता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये विशेषता पाई जाती है कि इनकी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत तेज होती है। इनकी कुछ सीमाएं भी होती हैं कंप्यूटर्स की, कि उस सीमा के बाद में वो काम नहीं कर सकते, यानी कि इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। आजकल देखते हो आप कि हैकिंग बहुत बड़ा जाल है, उसको अपन कैसे उससे बच सकते हैं, तो उनको मैनेज करना बहुत भारी होता है, यानी बहुत पैसे वाला काम है। इसके साथ ही पुरानी जो टेक्नोलॉजी है और नई जो टेक्नोलॉजी है उसको अडोप्ट करने में अपने को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, तो इसकी इस प्रकार की कुछ सीमाएं भी अपने को देखने को मिलती हैं, लेकिन उन सीमाओं के सामने इनके जो काम है वो बहुत अधिक होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, यानी कि जब से कंप्यूटर का विकास हुआ है तब से लेकर अब तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं। मोटे तौर पे अपन कह सकते हैं इनको अपन 5 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, यानी 5 पीढ़ियां वर्तमान में अपने सामने देखने को मिलती हैं। नंबर एक पे बात करते हैं प्रथम पीढ़ी की अपन, कि इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ी होती थी, यानी अपन ने जो पहले वाले टीवी देखे, आजकल तो फ्लैट पैनल आ गए, फ्लैट पैनल से पहले पिक्चर ट्यूब वाले जो टीवी थे उनकी जो ट्यूब थी बहुत बड़ी थी, तो वैसे ही वैक्यूम ट्यूब शुरू में यूज की जाती थी कंप्यूटर्स के अंदर, तो उनका जो आकार है वो बहुत बड़ा आकार होता था, आकार भी इनका बड़ा हो जाता था, अपन ऐसे कह सकते हैं कि एक कमरे के बराबर। कंप्यूटर होता था और ये जो कंप्यूटर है बड़ा होता था, वैक्यूम ट्यूब होती थी, तो गर्म है वो जल्दी हो जाता था, यानी इनमें एक समस्या होती थी, वो गर्म जल्दी हो जाते थे। गर्म जल्दी होने पे इनको क्या करना पड़ता था, एक निश्चित समय के बाद में इनको बंद करना पड़ता था, फिर से ऑन करना पड़ता था, क्योंकि वो गर्म होके कोई उनका जो सर्किट है वो जल ना जाए। इसके बाद में इनमें इनपुट व आउटपुट के लिए पंच कार्डों का उपयोग किया जाता था, यानी कि इनमें इनपुट और आउटपुट दोनों चीजों के लिए पंच कार्डों का प्रयोग किया जाता था। आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था। जितना भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ या फिर जो गोल गोल राउंड कर रहा हूँ, तो वो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सारी की जो जितना भी अपन यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको उनके सबके PDF वहां पे मिल जाएगी ऐप पे।
इसकी जो भाषा थी वो कैसी थी, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत कंप्यूटरों के। इसके जो उदाहरण है वो अपने को दो उदाहरण देखने को मिलते हैं, नंबर एक पे आता है एनिएक और नंबर दो पे आता है एडवेक। ये दो प्रकार के जो कंप्यूटर हैं वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पीढ़ी की सन की अगर अपन बात करें तो प्रथम पीढ़ी 1942 से लेकर 1955 तक जिन कंप्यूटर का निर्माण हुआ वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स के अंतर्गत आता है। नंबर दो पे अपन बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनकी अगर सन की बात करें तो वो 1955 से लेकर के 1964 तक के कंप्यूटर आते हैं। द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाने लगा, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर भाई कैसा होता है, दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग होने के कारण से यानी वैक्यूम ट्यूब है उसका महत्व कम हो गया और जो कंप्यूटर है उसका आकार बहुत छोटा हो गया। वो किसके कारण से, ट्रांजिस्टर के उपयोग के कारण से। ट्रांजिस्टर के उपयोग से इसका कंप्यूटर का आकार है वो छोटा होता चला गया। द्वितीयक मेमोरी के लिए चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाने लगा, यानी कि जो ड्रम थे चुंबकीय ड्रम थे उन चुंबकीय ड्रमों के बाद में चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाने लगा। किसके लिए, द्वितीयक मेमोरी के लिए। जबकि अपन बात करते हैं तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो आते हैं 1964 से लेकर 1975 तक के जो कंप्यूटर आते हैं वो कौन से आते हैं, अपने तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर आते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी का प्रयोग किया जाने लगा, यानी जो इंटीग्रेटेड सर्किट है इस इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। इसमें क्या होता है, बहुत सारे विद्युत परिपथों को एक साथ में जोड़ा जाता है, कुछ इस प्रकार की है वो आईसी अपने को दिखती है, ठीक है। इस आईसी के उपयोग से यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के उपयोग से इनका आकार बहुत ज्यादा छोटा हो गया, यानी इतने कॉम्पैक्ट हो गए कि अपन आसानी से एक से दूसरी जगह इनको उठा करके ले जा सकते थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन देखें तो इस प्रकार के कंप्यूटर थे आईबीएम 360, एलसीएल 1900, वेक्स 750। ये कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी के थे, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं। और तीसरी पीढ़ी का जो काल है वो अपने को 1964 से 1975 तक करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपने को ये जो सन है वो भी याद होनी चाहिए, यानी कि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट अपन देखते हैं चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी की अगर अपन बात करें तो 1975 से लेकर 1989 तक का जो काल है वो चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत आता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में VLSI का प्रयोग किया जाने लगा। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किसमें किया जाने लगा, अपने चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाने लगा। तो VLSI है वो कैसी दिखती है, इस प्रकार की दिखती है, ठीक है, इस प्रकार की दिखने लगी थी। यहाँ पर लिखा भी हुआ है वो इसका निर्माण 1991 में हुआ है। पहला माइक्रोचिप 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा इंटेल 4004 तैयार किया गया था, यानी कि यहाँ पर अपन देखें तो ये जो है ये 4000 श्रेणी का है, ठीक है। तो 4004 इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा 1970 में तैयार किया गया था। पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो है 1989 से लेकर के अब तक के जो कंप्यूटर है वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की श्रेणी में आते हैं। इनकी मुख्य विशेषता क्या है, इनमें किसका प्रयोग किया जाने लगा, AI का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाने लगा है किसमें, इस प्रकार के कंप्यूटर्स में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि यानी कि कंप्यूटर्स हैं इनमें सोचने समझने की जो क्षमता है उसका विकास अब किया जाने लगा है, यानी कि जो मानवीय कार्य हैं वो भी क्या करेंगे, अपने AI के आधारित कंप्यूटर्स करेंगे। जैसे अपन देखते हैं आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें अडास फीचर्स आ रहा है। अडास फीचर्स का मतलब क्या है,
वो एक एआई पर आधारित सॉफ्टवेयर है जो अपने सामने अगर कोई भी चीज आ जाती है तो गाड़ी उसको सेंस करके अपने आप ब्रेक लगा देती है। तो इस प्रकार के जो है वर्तमान समय में एआई पर आधारित है वो पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं उनका उपयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि कंप्यूटर की जो पांच पीढ़ियां हैं वो अपन ने यहाँ पर देखी। जब से कंप्यूटर का विकास हुआ 1942 से लेकर के आज तक वर्तमान तक 2023 तक अपन ने क्या देखा, एआई पे आधारित कंप्यूटर की श्रेणी देखी और बहुत बड़े कमरे के आकार के आधार पे जो कंप्यूटर थे उनको भी अपन ने देखा। नेक्स्ट सेशन में चर्चा करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। देखते रहिए। थैंक यू एवरीवन।